बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी आज हम बना रहे हैं चना चाट, आलू चाट। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ, ताकि आइंदा आने वाली मेरी जो वीडियो है वो आपको बार बार और आसानी के साथ मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का चाट, चना चाट। तो सबसे पहले हमने ये तीन आलू लिए हैं छोटे से, इनको उबाल लिया है। एक कप चिक पीस ये उबले हुए हैं। एक ऑनियन और एक टमाटर है इसमें मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करें। आप इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, इसमें बनाना भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस। आप कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये सिर्फ आलू चाट, चना चाट बना रहा हूँ। तो इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। ये चाट मसाला मैंने खुद बनाया, बाजार से नहीं लिया। तो ये हम इसका तकरीबन इतनी सी ऐड करेंगे पहले, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। ओके, आप इसको मिक्स करें हल्का सा, आपको पता चल जाएगा कि कितना। ये बिल्कुल सिंपल सी, आप पानी में भगो के रखते हैं इमली को रात भर के लिए, सुबह इसको जो है ना वो बीज अलादा कर लें। तो इसमें एक टेबलस्पून आप शुगर, आप जैसी भी चाहे खट्टी मीठी कर सकते हैं इसको। इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून डालूंगा इसमें। अब हमें इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे। तकरीबन एक कप योगर्ट मिक्स करें अच्छी तरह। इंशाल्लाह इसकी टेस्ट जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे आपको स्ट्रीट स्टाइल मिलेगी। एंड में हम इसके ऊपर ये कोरिएंडर और मिंट के लीफ हैं छोटे छोटे, तो ये करके दें। तो इस तरह ये हमारी आज की चाट, आलू चाट, चना चाट तैयार है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ पहुंच सके। तो हमारी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट पे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हम आपको दुआ में याद रखेंगे, आप हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।